नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर चहलकदमी तेज हो गई है। आपका पसंदीदा प्रोग्राम एराइज न्यूज बिहार पंचायत चुनाव पर खास कवरेज दिखा रहा है, जिसमें भावी प्रत्याशियों का साक्षात्कार लिया जा रहा है ताकि जनता उनके विकास के एजेंडे को ठीक ढंग से समझ सके। इसी क्रम में आज हम पहुंचे सीवान जिले की केलगढ़ दक्षिण पंचायत के वार्ड नंबर 6, जहां से बिटुन देवी वार्ड सदस्य हैं। बिटुन देवी के पति रविकांत प्रसाद कहते हैं कि अगर उनके वार्ड के लोगों ने इस बार भी उन्हें आशीर्वाद दिया तो वो अपने वार्ड में विकास की गति को और तेज करेंगे। राइजी में आपका स्वागत है। मैं अभिनय, सिवान जिला के बाड़िया प्रखंड के कैलगढ़ पंचायत, दक्षिण कैलगढ़ पंचायत के वार्ड नंबर 6 में उपस्थित है। जो हमारे सामने बुटन देवी की पति रविकांत प्रसाद जी जो हमारे सामने उपस्थित है, यही जानते हैं उनके विकास के बारे में। सर, सबसे पहले बताइए कि चुनाव लड़ने का मेन उद्देश्य क्या है आपका? अपने क्षेत्र का विकास करना जी। मान लीजिए कि जो विकास नहीं हुआ उसको तो विकास करना जरूरी है जी, यही मेरा उद्देश्य है। यही उद्देश्य है। नल जल योजना की क्या स्थिति है अपने पंचायत में? नल जल योजना की स्थिति लगभग सही है। नली गली सड़क का, नली गली सड़क का जो कार्य जो है प्रगति पर है, कहीं हुआ है कहीं बाकी है, वो भी पूरा होगा लेकिन समय आने पर। आपके क्षेत्र में कोई सब परिवार है जो बीपीएल परिवार से वंचित है? वो तो है। कितने लोग हैं? अब गिनती से तो नहीं बता सकते लेकिन लगभग हमारा अंदाज है कि वार्ड नंबर 6 में लगभग 100 आदमी होंगे। अभी 100 आदमी अभी है लगभग। और पीएम आवास की क्या स्थिति है? उसका भी स्थिति यही है। उसका भी स्थिति वही है, मतलब कुछ काम नहीं हुआ है? हुआ है, बहुत कम, नॉर्मल। अब जानता है आपको ताज पहनाती है, विकास को अधूरा विकास को पूरा कर पाएंगे? यही मेरा उद्देश्य है कि हम विकास का काम करें, जो भी बाकी है उसका पूरा करें और नल जल में जो त्रुटि है उसको सुधार करें जी। इंदिरा आवास है उसको भी हम जहाँ तक प्रयास होगा, जहाँ तक हम हमारा पहुँच होगा वहाँ से हम निकाल लेंगे उन लोगों को। अभी कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, अपने क्षेत्र के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपने क्षेत्र के जनता को, वार्ड तो छोड़िए, लेकिन हम चाहेंगे कि पंचायत, सभी पंचायत या प्रखंड में भी सबको हम यही संदेश देना चाहते हैं कि कोरोना के महामारी को लेकर के सभी लोग वैक्सीन लगवाएं और कोरोना से मुक्ति पाएं। विकास के मुद्दे पर क्या बोलना चाहते हैं अभी? हम विकास के मुद्दे पर बोलने का मकसद ये है कि जो भी बाकी है विकास कार्य में उसको हम पूरा करें, पूरा करेंगे अगर आ जाएंगे सत्ता में तो। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता से हम यही अपील करेंगे जो हमें अपना बहुमूल्य वोट हमें दे और विजयी बनाए, जिससे कि मैं इस सब का, जनता का या जो भी काम है अधूरा उसका मैं पूरा करूं उसको। आप वोट किसको दीजिएगा? नाम बताओ लो, बता दो लो। रविकांत प्रसाद बिटुन देवी। रविकांत प्रसाद बिटुन देवी। हम बना लिए वोट देना का, क्यों किसको देंगे? आपका क्या नाम वोट नाम अभी है? वोट किसको दीजिएगा? अभी तो रविकांत जी की पत्नी है जो जी, अभी देख रहे हैं उनका प्रगति जी। मन बना लिया कि सोनको हम जिताएंगे। आपका भैया क्या मना? हमारा भी वही है, वही मना तुम मेरी। मन मना लिया कि सत्ता में नहीं बनाएंगे? नहीं, बना लिए, बना लिए, सभी लोग बना लिए।